हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एमके क्लासेस में। तो गाइस, हम लेके आ चुके हैं लेक्चर ऑन करंट अफेयर्स, जिसमें हम आज कवर करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 7th अप्रैल 2021। आप सब जानते हैं पिछले 2 मंथ से हम रेगुलर डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट जो है वो विजिट कर सकते हो, और वहाँ से हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स को आप देख सकते हो। या फिर अगर आप सिर्फ PDF डाउनलोड करना चाहते हो हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस से PDFs भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज के पहले करंट अफेयर के ऊपर मूव करते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? योर ऑप्शंस आर April 6th, April 7th, April 9th एंड April 11th। गाइस, मार्क योर राइट आंसर हियर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा April 7th। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन April 7th। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ज़्यादा डीप में अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हमने प्रोवाइड की हुई है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। PDF आप सब जानते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु टॉप द फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2021 विद नेटवर्थ ऑफ $177 बिलियन? तो आपको बताना है फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट जो है 2021 की, जो फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट है उसमें टॉप किसने किया है जिसकी जो नेटवर्थ है वो है $177 बिलियन। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, मार्क योर राइट आंसर गाइस। तो याद रखिएगा, अमेजॉन के CEO यानी कि जेफ बेजोस जो हैं, उन्होंने फोर्थ टाइम भी जो है उन्होंने टॉप किया है इस लिस्ट को। ठीक है, अमेजॉन के CEO हैं जेफ बेजोस, ये जो हैं इन्होंने जो है टॉप किया है फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2021 में। ठीक है, और उनकी नेटवर्थ कितनी है? $177 बिलियन। ज़्यादा डीप में आप यहाँ से पढ़ सकते हो गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एंड यंगेस्ट J&K ऑथर टू रिक्रिएट लाइफ ऑफ हब्बा खातून्स पोइट्री? तो आपको बताना है वो कौन है जो यंगेस्ट और फर्स्ट जो है J&K के ऑथर बने हैं जिन्होंने हब्बा खातून की जो पोइट्री थी उसे जो है रिक्रिएट किया है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं गाइस, मार्क योर राइट आंसर हियर। पहले तो आपको पता होना चाहिए हब्बा खातून कौन है। तो हब्बा खातून को हम क्या बोलते थे? नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी इनको बोला जाता है, आप सब जानते हैं। तो नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर जो है हब्बा खातून, उनकी पोइट्री को जो है रिक्रिएट करने वाले सबसे पहले और यंगेस्ट J&K ऑथर का आपको नाम बताना है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं, मार्क योर राइट आंसर गाइस, इनमें से कौन सा जो है राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज सोलिहा शबीर। ठीक है, सोलिहा शबीर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हैज़ एडेड हर नेम इन इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय बिकमिंग द फर्स्ट एंड यंगेस्ट ऑथर इन जम्मू एंड कश्मीर टू रिक्रिएट द लाइफ ऑफ हब्बा खातून्स पोइट्री। क्लियर है गाइस? ज़्यादा डीप में आप आगे यहाँ से पढ़ सकते हो, PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। नाम आपने याद रखना दोस्तों, सोलिहा शबीर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस के जो है सेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। द IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हैज़ प्रिडिक्टेड हाउ मच ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन 2021? IMF ने जो इंडिया की ग्रोथ है, इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो क्या प्रिडिक्ट किया है 2021 के लिए? 10%, 11%, 12.5% या फिर 9.5%? IMF, ये जो क्वेश्चन दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि IMF ने जो प्रिडिक्ट की है ग्रोथ रेट 2021 में इंडिया के लिए वो क्या है? तो गाइस याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 12.5%। ठीक है दोस्तों, 12.5% जो है प्रिडिक्ट की है IMF ने इंडिया की ग्रोथ रेट। ज़्यादा डीप में आप यहाँ से पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who has won the AM Turing Award 2020? ठीक है, किसने जो है AM Turing Award जो है वो जीता है 2020 में? ठीक है, 2020 में जो दिया 2020 का जो अवार्ड है AM Turing Award 2020 जो है वो किसने जीता है या फिर किसने won किया है वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है गाइस, मार्क योर राइट आंसर हियर। ठीक है, AM Turing Award 2020, बताइए दोस्तों किसने जो है इसे जीता है,
तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा तो गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अल्फ्रेड बियाहो जो है इन्होंने जो है ये प्राइस जीता है। ज़्यादा डीप में आप यहाँ से पढ़ सकते हो, हैज़ वन द अल्फ्रेड बियाहो हैज़ वन द एएम ट्यूरिंग अवार्ड 2020 फॉर हिज रिसर्च एंड इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट बुक्स ऑन फंडामेंटल एल्गोरिथम एंड थ्योरी ऑफ अंडरलाइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंप्लीमेंटेशन। हिज बुक हैव एजुकेटेड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर साइंटिस्ट, ठीक है। तो ज़्यादा डीप में आप यहाँ से ऑफकोर्स पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। फीफा हैज़ सस्पेंडेड विच नेशंस फुटबॉल फेडरेशन, फीफा ने सस्पेंड की है कौन सी नेशन की फुटबॉल फेडरेशन को, ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर म्यांमार। तो किसकी फुटबॉल फेडरेशन जो है वो फीफा ने सस्पेंड कर दी है। तो गाइस यहाँ पर पाकिस्तान जो है आपका राइट आंसर होगा। पाकिस्तान की जो फुटबॉल फेडरेशन है उसको फीफा ने सस्पेंड कर दिया है, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई थर्ड पार्टी का जो इंटरफेरेंस देखा गया था, तो इस वजह से जो है फीफा ने उनकी जो है फुटबॉल फेडरेशन है उसको जो है रद्द कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द रियल जीडीपी प्रोजेक्शन बाय आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। ऊपर हमने पढ़ा था आईएमएफ के द्वारा जो ग्रोथ रेट प्रेडिक्टेड किया गया है वो था 12.5% गाइज। तो यहां पर अभी पूछा गया है कि व्हाट इज द रियल जीडीपी प्रोजेक्शन, जीडीपी की क्या प्रोजेक्शन की गई है बाय आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी है उसने इंडिया की जो जीडीपी है उसकी प्रोजेक्शन क्या बताई है, 10.5%, 11%, 9.8% या फिर 8.7%। तो गाइस यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10.5%। इंडिया की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट की जो प्रोजेक्शन उन्होंने बताई है वो है 10.5%। क्लियर है गाइस, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे जो आईएमएफ ने प्रिडिक्ट की है ग्रोथ रेट, ठीक है, आईएमएफ ने ग्रोथ रेट जो प्रिडिक्ट की है इंडिया की वो है 12.5%, वेयर एज जो जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है आरबीआई की जो मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी की जो कमेटी होती है उसने जो जीडीपी की प्रिडिक्शन दी है वो है 10.5%। तो ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ज़्यादा डिटेल में यहाँ से आप पढ़ सकते हो, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शक्तिकांत दास, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन करी होती हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये हो सकती हैं। तो एक्सप्लेनेशन जरूर से पढ़ा करिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड करके पीडीएफ को, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच नेशन हैज़ रिफ्यूज टू इशू वैक्सीन पासपोर्ट्स, कौन सी नेशन ने जो है रिफ्यूज़ किया है कि वो इशू करेगा जो है वैक्सीन पासपोर्ट्स को, फ्रांस, यूके, कनाडा या फिर यूएस, ठीक है, बताइए दोस्तों कौन से नेशन ने जो है रिफ्यूज़ कर दिया है कि वो इशू नहीं करेगा आज के बाद, कौन से वैक्सीन पासपोर्ट जो है वो इशू नहीं करेगा। दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूएस, ठीक है। तो यूएस ने जो है ये परमिट अब वो नहीं करेगा, यानी कि रिफ्यूज़ कर दिया है उसने वैक्सीन पासपोर्ट्स देने के लिए, मना कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे नियर अबाउट 8 क्वेश्चंस ऑन करंट अफेयर्स ऑफ 7th अप्रैल। तो गाइस अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एमके क्लासेस से श्योरली जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमने अभी कल और परसों के लेक्चर की जो है प्रोवाइड नहीं करी है पीडीएफ, इकट्ठी हम तीनों आज शाम को नियर अबाउट नाइट को आप जो है नाइट को आपको तीनों पीडीएफ इकट्ठी हम प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी जो तैयारी है हमारे साथ रेगुलर बनी रहे और आपको जो है डेली 5 लेक्चर्स जो हैं प्रोवाइड किए जाते हैं। अब दोस्तों आपको 6 लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे